कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। जहांगीर ने अपने पिता अकबर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। जब वो खुद बादशाह बना तो उसके बड़े बेटे खुसरो ने भी जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन खुसरो जहांगीर की तरह खुशनसीब नहीं था। जहांगीर तो पिता की हत्या की कोशिश के आरोप से बच निकला, लेकिन खुसरो को इस कोशिश में अपनी जान गंवानी पड़ी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जो मान बाई से उत्पन्न हुआ था, रूपवान, गुणी और वीर था। अपने अनेक गुणों में वो अकबर के समान था, इसलिए बड़ा लोकप्रिय था। अकबर भी अपने उस पौत्र को बड़ा प्यार करता था। जहांगीर के कुकृत्यों से जब अकबर बड़ा दुखी हो गया, तब अपने अंतिम काल में उसने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया था। फिर बाद में सोच विचार करने पर अकबर ने जहांगीर को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। खुसरो के मन में बादशाह बनने की लालसा पैदा हुई थी। अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की शह पर अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में वो सफल हुआ और जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला और एक बार फिर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। लगभग 12,000 सैनिकों के साथ खुसरो एवं जहांगीर की सेना का मुकाबला जालंधर के निकट भैरावल के मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी, क्योंकि उन्होंने विद्रोह के समय खुसरो की सहायता की थी। लेकिन कैद में भी खुसरो हार मानने वाला नहीं था। उसने जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, लेकिन इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया और नाराज जहांगीर ने उसे अंधा करवा कर कैद खाने में डाल दिया। खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी।